दोस्तों, आपने बंजर नदी किनारे जंगलों खाली जगहों के आसपास कंटीले पीले फूल वाले हरे पत्ते नुकीले पौधे देखे होंगे। ये पौधे दिखने में बहुत ही आम से लगते हैं, लेकिन ये हैं बहुत काम के। इन पौधों को सत्यानाशी पौधे के नाम से जाना जाता है। सत्यानाशी मतलब कि सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाला खास वनस्पति। आयुर्वेद में सत्यानाशी पौधे को बहुत उपयोगी औषधि माना गया है। इसके बीजों को भी बहुत सी बीमारियों के लिए दवाइयों की औषधि में काम में लिया जाता है। इसके बीज सरसों दाने की तरह होते हैं। ये लगभग हर बंजर जगह पर देखने को मिल जाते हैं, जिसे अलग अलग नामों स्वर्ण छीरी, कटुपर्णी, पीला धतूरा, स्वयं काटा, दारुणी और अंग्रेजी में प्रिकली पॉपी से पुकारा जाता है। सत्यानाशी औषधि और तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे इंग्लिश में मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं, किंतु उसे हिंदी में बेशर्म या बेहया के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। सत्यानाशी के पौधे का उपयोग पीलिया रोग में बहुत कारगर साबित होता है। पीलिया के रोगी को आधा चम्मच सत्यानाशी तेल गन्ने के जूस के साथ पीने से पीलिया रोग में जल्दी छुटकारा मिल जाता है। ये पौधा पेट, फेफड़ों और शरीर के अंगों में पानी भरने की समस्या में सत्यानाशी को रामबाण औषधि माना जाता है। इसके लिए एक चम्मच सत्यानाशी तेल और चुटकी भर सेंधा नमक को एक गिलास गुनगुने पानी में डालकर रोज सुबह पिया जाए तो कुछ ही दिनों में इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। मुंह में छाले होने पर सत्यानाशी के कोमल डंठल और पत्तियां चबानी चाहिए और कुछ देर बाद थोड़ा दही और चीनी खाने से मुंह के छालों में तुरंत आराम मिलता है। बवासीर को ठीक करने में सत्यानाशी एक खास औषधि रूप है। सत्यानाशी जड़, बीज और सेंधा नमक बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। रोज सुबह शाम चुटकी भर सत्यानाशी मिश्रण चूर्ण दही के साथ खाने से बवासीर घाव ठीक करने और बवासीर जड़ से मिटाने में सहायक है। सत्यानाशी जड़, बीज और सेंधा नमक मिश्रण गुड़ पानी के साथ ही सेवन कर सकते हैं। चोट घाव ठीक करने में सत्यानाशी फूल पत्तियों का रस अचूक औषधि माना जाता है। सत्यानाशी फूल पत्तियों का रस घाव जल्दी भरने में सहायक और घाव को संक्रमित होने से बचाने में सहायक है। सत्यानाशी फूल कोमल पत्तों से कांटे अलग करें, फिर फूल और कांटे बिने पत्तों को बारीक पीसकर फंक बना लें। रोज सुबह शाम सत्यानाशी आधा चम्मच से कम फंक गर्म पानी के साथ सेवन करने से दमे की खांसी से जल्दी आराम मिलता है और एक चम्मच सत्यानाशी तेल मिश्री गुड़ के साथ खाने से दमा रोग से जल्दी छुटकारा मिलता है। कुष्ठ रोग फैलने से रोकने में सत्यानाशी सहायक है। सत्यानाशी के फूल पत्तों और नीम के पत्तों को बारीक कूटकर पानी में उबालें, फिर पानी गुनगुना ठंडा होने पर नहाएं। आधा चम्मच सत्यानाशी फूल दूध के साथ सेवन करें। सत्यानाशी तेल खाने के इस्तेमाल और कुष्ठ ग्रसित त्वचा पर लगाएं। सत्यानाशी पौधा कुष्ठ रोगी के लिए फायदेमंद है। नज़र कमजोर होने पर, मोतियाबिंदु होने पर सत्यानाशी के दूध को मिश्री कच्चे दूध के साथ सेवन करना फायदेमंद है। सत्यानाशी दूध और ताजा मक्खन या फिर गाय के घी के साथ मिलाकर आंखों पर काजल की तरह लगाएं। गैस कब्ज की समस्या में सत्यानाशी जड़ और अजवाइन उबाल कर काढ़ा बना लें। रोज सुबह शाम सत्यानाशी काढ़ा पीने से गैस कब्ज की समस्या मात्र 10 से 15 मिनट में ठीक करने में सहायक है। दांतों में कीड़ा लगने पर सत्यानाशी तने और नीम तने से लगातार रोज दांतुन करने से दांतों के कीड़ा, दांत दर्द जैसे बीमारी से जल्दी छुटकारा मिलता है। दांतों के लिए सत्यानाशी तना और नीम तना से एक साथ मिलाकर दांतुन करना खास फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।